किसानों ने टोल प्लाजा बंद कर रखा, उन्हों का सारा खमियाजा जो भुगत रही है जनता भुगत रही है, वह सारा बर्डन पेट्रोल के जरिए उसकी कीमत बढ़ा के जनता तो ही वसूल किया जा रहा है, जो कि एक आम जनता से गरीब तबके से बहुत बड़ा बोझ है। पर सरकार इसे एक हरेक से मार मार रही है, पेट्रोल दीमत दिन पदर बढ़ा रही है। महंगाई के मुद्दे ने सरकार उसको भड़काने के लिए और नवे नवे मुद्दे खड़े कर रही है, वह नवे मुद्दों के ये मुद्दे बिच ही दबके रह जाते हैं। तो मोदी जी वैसे ही अमेरिका हो के आए, तो पेट्रोल डीजल का बदना वैसे ही एक जायज गल, 130 करोड़ आबादी ने बंदा चुने, वो बंदा का भार हूँ सारी जनता से पै रहा। सरकार कितों ना कितों तो इनकम लैके आएगी ना, सरकार का एक पास पैसा बंद होया, वो कितों ना कितों दूसरे पास पैसे का सोर्स करना, उन्होंने वो इधर नू वध रहे रेट। कांग्रेस भी लिया के उन्होंने 4 महीने वास्ते एक नवा छुरली छड़ती है, इन्होंने फर्क कुछ नहीं पैना, उन्हें 4 महीने बाद फिर वही सब कुछ हो जाना। मोदी सरकार बेचन लगी है सारे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बेच के रहो। BSNL बेची हौली हौली सारे अदारे बेच दे, रेलवे भी बेचती है, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं मंगे, सरकारी अदारे नहीं नौकरी नहीं मंगू। गोरमेंट का काम है गरीब नू मारना, अमीर नू नहीं मारना, गरीब नू मारना, गरीब है गरीब मार दो, कहिंदे ना रहे गरीब ना बोले। मैडम असीं तां वेख चुके हैं जी, सानू तां सरकार ने बेच दिता है वा, तेल इन्ना महंगा करता है ना, साडे को कमान जोगा हो रहा, ना कुछ तेल जोगे ही पूरे करके लेके जा रहे। शाम नू जिहड़ा 100-200 बचता ही, हुण ओह भी नहीं बचता, पर तेल ही इन्हें 104 रुपये लीटर करता है, पर पेट्रोल कितों बंदा पवे। तो ये CNG पंप सीगे वो बंद करा के इन्होंने LPG खोलते ने, LPG हुण गैस नहीं पूरी हो रही सानू, वह भी इन्होंने महंगी करती। तो साढ़े घट्टो घट नहीं सानू 200 रुपया बचता ही, हूँ घट्टो घट नहीं असी 100 रुपया भी नहीं घरे लैके जा रहे, कर्जे तो फड़ के कर रहे हैं, और सरकार ने तो सानू नंगा करता पूरा। मैडम साढ़े घरे भी आएंगे ना वोट मंगन, असी जुत्ती लैके पहला गेट के बाहर खड़े होवेंगे। महंगाई दी मार लगातार आम लोकां ते पैंदी नजर आ रही है, लगातार चाहे गल होवे पेट्रोल डीजल दी, फिर चाहे गल होवे घरेलू गैस सिलेंडर, जां फिर रसोई दे विच रोजाना यूज दे विच आउण वाला समान, लगातार इन्हां दीआं कीमतां जिहड़ियां ने आसमान नूं छूंदियां नजर आ रहियां ने। ते अज पेट्रोल पंप ते मौजूद आ तस्वीर तुहानूं दिखा दिंदे किस तरीके नाल जिहड़ा है डीजल दा जिहड़ा रेट है 95.84 तक पहुंच चुकिया है, ते उत्थे दूजे पासे पेट्रोल दी गल करिए कि पेट्रोल दी जो कीमत लगातार वधदियां नजर आ रही है, पेट्रोल दी जेकर गल करिए ते पेट्रोल दा रेट जिहड़ा हो चुकिया है 106.07, 106 तो भी जिहड़ा है पार हुंदा नजर आ रहा है, लगातार आम लोकां दी जेब ते असर, जिस तरीके नाल महंगाई आसमान छूंदी नजर आ रही है, आम लोकां दी जेब ते भार पैंदा नजर आ रहा है। पर उत्थे दूजे पासे सरकार दा इस वल कोई ध्यान नहीं, लगातार आम जनता बेहाल परेशान हो रही है। तो अज असी इस सिलसिले दे विच गलबात भी करांगे कि जो पेट्रोल दे रेट 106 पार कर चुके है, तो उत्थे दूजे पासे पेट्रोल जिहड़ा डीजल दा रेट 95 क्रॉस कर चुके है, तो आम लोकां दा इस बारे की कहना है, की कुछ उम्मीदां ने, कि ये भी लगता है कि 2022 दीआं चोणां दे विच जद कोई नवी सरकार बनेगी तो इसका हल होवेगा ज नहीं होवेगा, बिल्कुल तमाम चीज़ों पर गलबात करांगे। तो आओ तुहानू भी सुनाउने आ गलबात। बिल्कुल, सरकार हल तो अपने हिसाब नाल कर रही है, सरकार देख रही है भी किसानों ने टोल प्लाजे नूं बंद कर रखे, उन्हां दा सारा खमियाजा जो भुगत रही है जनता भुगत रही है, वह सारा बर्डन पेट्रोल के जरिए उसकी कीमत बढ़ा के जनता तो ही वसूल किया जा रहा है, जो कि एक आम जनता से गरीब तबके से बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि जिसने रोज़ रोजी रोटी कमानी से जाना, डेली आना जाना, डेली पेट्रोल बिना तो सर ही नहीं सकता, जीवन का एक अंग बन चुके हैं। पर सरकार इसे एक हरेक से मार मार रही है, तो पेट्रोल दीमत दिन पदर बढ़ा रही है,
हाँ यही मेन कारण मैं लगता सरकार का भी मालिया जो उधरों कटिया वो सारा असं इधरों कट्ठा कर लिए। एक गल देखी जाए तो इलेक्शन नज़दीक ने चोणों की तैयारी चल रही दावे वड्डे किए जा रहे पर महंगाई तो कोई भी पार्टी नहीं बोल रही कि असं सत्ता के आवेंगे महंगाई तो राहत दवावे। बिल्कुल ये सरकार दियाँ पॉलिसियां इस तरह दियाँ ने तो जो मेन महंगाई के मुद्दे ने सरकार उसको भड़काने के लिए और नवे नवे मुद्दे खड़े कर रही है और नवे मुद्दों के बीच ये मुद्दे बिच ही दब के रह जाते हैं तो आम जनता इन्नी ज़्यादा पिसी पी है कि उन्होंने अपनी रोजी रोटी तो बेले नहीं मिल रहा और इस मुद्दों पर किधर जाके सरकार नाल भेड़ पावे तो ये आम जनता से बोझ ही बनया होया सारा कुछ। सरकार देखो जी मोदी सरकार जिहड़ी है वो हर काम दे विच वैसे ही विफल रही है कोई काम वो ढंग नाल नहीं कर पाए देश दे विच ते हुण तो मोदी जी वैसे ही अमेरिका हो के आए तो पेट्रोल डीजल का वधना वैसे ही एक जायज़ गल 130 करोड़ आबादी ने एक बंदा चुनिया वो बंदा दा भार हुण सारी जनता से पै रहा है। सो मोदी जी बारे मतलब जिन्ना कुछ मर्जी कहते रहो ये तो शाम तक बोलते रहो खत्म होना ही नहीं है। ये तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट नूं कि पब्लिक के बारे भी कुछ सोचे अज भाड़े किन्ने वध रहे है डीजल महंगा हो रहा है पिछले एक हफ्ते डीजल 4 तो 5 रुपए लीटर महंगा हो गया हूँ उस चीज़ का जो रेट फर्क पेगा हर चीज़ के उपर फर्क पेगा। लोगों का यह भी कहना है लोगों के गलबात हो रही है कि जब किसानों वालों टोल प्लाजा बंद किए गए सरकार को टोल टैक्स जाना बंद होया सरकार ने इस तरीके लोगों तो पैसे वसूलने शुरू कर दते तो भी इदा लग रहा है। बिल्कुल लगता जी सरकार कितों ना कितों तो इनकम लेके आएगी ना सरकार का एक पास पैसा बंद होया और कितों ना कितों दूसरे पास पैसे का सोर्स कढ़ना उन्होंने वो इधर नू वध रहे रेट बाकी सब मिली भगत है जी इन्हों की सब आपस के एक ही ने कोई फर्क नहीं है उन्हें महंगाई तो जड़ा गल कर रहा अरविंद केजरीवाल महंगाई के अगेंस्ट ठीक काम कर रहा उस बंदे लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे उन्होंने कोई हजे तक चेहरा नहीं आम आदमी पार्टी ने डिकलेयर किया हजे तक कि सीएम कैंडीडेट कौन होएगा भगवंत मान सामने नहीं लैके आ रहे उही चीज़ का हरजाना 2017 भरिया मैंने लगता 2022 भी उही ना भरना पै जाए अदरवाइज आम आदमी पार्टी ही एक ऑप्शन है इस टाइम पब्लिक के कोल क्योंकि बाकी पार्टियां तो दोनों देख चुके हुए हैं की कर रहे हैं कांग्रेस भी लिया के हूँ आ 4 महीने वास्ते एक नवा छुरली छड़ती है इन्होंने फर्क कुछ नहीं पैना उन्हें 4 महीने बाद फिर उही सब कुछ हो जाना साढ़ा कहना मोदी सरकार ही निकमी है मोदी सरकार बेचन लगी है सारे हिंदुस्तान बेच के रहो बस देखो एयर इंडिया बेची BSNL बेची हौली हौली सारे अदारे बेचते हैं रेलवे अद्धी बेचती है क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं मंगे सरकारी अदारा नहीं हो नौकरी नहीं मंगू पेट्रोल के थ्रू हो रहा पेट्रोल के थ्रू गवर्नमेंट नहीं जा रहा है ना बस फिर राशन के थ्रू सरों के तेल 90 रुपए किलो थी हूँ 180-90 रुपए किलो है कि सरकार डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वसूल रही है लोगों से बोझ पा रही है गरीब गवर्नमेंट का काम है गरीब नूं मारना अमीर नूं नहीं मारना गरीब नूं मारना गरीब है गरीब मार दो कहिंदे ना रहे गरीब ना बोले। सर एक होर सवाल है इलेक्शन नज़दीक ने चोणां नूं लैके वख-वख राजनीतिक पार्टियां वल्लों वादे वड्डे किए जा रहे पर महंगाई ते कोई नहीं बोलदा नज़र आ रहा सारियां पार्टियां निकम्मियां ने इस टाइम पंजाब च भाजपा लै लो अकाली दल लै लो बसपा लै लो आप तो महानकमी है आप जी हरियाणे च भी बोलती पई है पंजाब च भी बोलती पई है पंजाब का मुद्दा अलग है हरियाणे का मुद्दा अलग है जबकि पंजाब तो हरियाणे का पानी का मुद्दा है तो किवें हल कराऊगा जो पंजाब भी लड़ रहा तो हरियाणे भी लड़ रहा चोन लड़ रहा ना चोन किवें कराऊगा सोल्व नहीं सोल्व होना यह मैडम सरकार का हाल ही बहुत बुरा वा हूँ तुम देख ही रहे हो सरकार के हालात की चलते पे आ हर 2 महीने बाद पहले तो मुख्यमंत्री चेंज हो रहा वा ठीक है जी हूँ जिस हिसाब से सेंटर गवर्नमेंट तो होना चाहिए हूँ जो गरीब लोग कितने जाएंगे सर तो बहुत बुरा हाल है हूँ 3 घंटे का कट लाता बिजली का हूँ तो अं डीजल लैन आए हूँ जनरेटर चला लिये हूँ जो गरीब बंदे तो बहुत बुरा हाल साडा भी तो हूँ हूँ तो गवर्नमेंट ने होना चाहिए कुछ ना कुछ करे ये चोणा नज़दीक ने चोणा नूं लैके राजनीतिक पार्टियां वालों वख वख लीडर्स वालों दावे वड्डे किए जा रहे पर महंगाई तो कोई नहीं बोलता नजर आ रहा कि असं सत्ता के आवेंगे तो महंगाई तो लोगों को छुटकारा दवावे इस बारे की कहना मैडम हर सरकार के अपने अपने मुद्दे ने अपने कुछ नहीं कह सकते हूँ जो इलेक्शन जो नेड़े आ गए हर सरकार ने अपने अपने दसी जा रहे जी असं बिजली ऑफर दे रहे हैं थोड़े लिए आ करते पे कर तो कुछ रहे नहीं है यह तो पोलीटिक्स हैगी है पार्टियां ने हूँ कांग्रेस अपने दसते पे है BJP अपने दसते पे अकाली अपने दसते पे है हर सरकार अपने अपने दे रही है ऑफर सानू आड़े लिए आ करते पे आ करते कर कुछ नहीं रही है किसी गरीब लोग हूँ तीन बिजली का मीटर देखोगे जो लॉकडाउन बाद जो असं अपना ऑफिस ओपन किया जे बिल साढ़े 5,000 देते उदो 10,000 देने लग गए उस तो बाद यह तो बहुत बुरा हाल है जी सरकार असं तो हूँ इलेक्शन नेड़े वोट मंगाने आऊँगा असं तो जी बिल्कुल वोट नहीं देने असं तो बिल्कुल इस बार तो जी सा हालात है मैडम असं तो वेख चुके हैं जी सानू तो सरकार ने बेचता है वा क्योंकि सानू तेल इन्ना महंगा करता है ना साढ़े को कमान जोगा हो रहा ना कुछ तेल जोगे ही पूरे करके लेके जा रहे शाम जो 100-200 बचता ही हूँ वह भी नहीं बचता
ਪਰ ਤੇਲ ਹੀ ਇੰਨਾ 104 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਰਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਪਵਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜੋਗਾ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰਤੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਵਧਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ CNG ਪੰਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ LPG ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਨੇ LPG ਹੁਣ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀ 110 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੇਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੇਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 5000 ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਨਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਆਟਾ ਮੰਗਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਲਿਆਤਾ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲਿਆਓ ਆਟਾ ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਆ 300 ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜੇ 300 ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਮੌਰੀਆ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ